एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल घर की रसोई। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसन के बर्फी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी बेसन, एक कटोरी पीसी हुई चीनी, देसी घी। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता और बादाम। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए और अब इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। तो देसी घी को भी हम गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है और अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। तो बेसन को ऐड करने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पे बराबर चलाते हुए भुनना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो हमारा बेसन जलने लगेगा। तो यहाँ ये देखिए घी अच्छे से बेसन में सूख चुका है। अभी थोड़ी देर बाद भुनते भुनते ये लिक्विड हो जाएगा। तो जब हमारा बेसन अच्छे से भुन जाएगा तो ये अपने आप ही गीला होने लगेगा। तो इसे बराबर हमें चलाते रहना है। तो फ्रेंड ये बर्फ़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और ही ज़्यादा अच्छा बने तो आप इसमें जो है थोड़ा सा सूजी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे इसमें सूजी दही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ ये देखिए हमारा जो है बेसन अच्छे से ये देखिए भुनना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसे और भुनेंगे। तो बराबर चलाती रहिए और फ्लेम को लो रखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये बेसन की बर्फ़ी जो है बन के बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखिए और इसको बराबर चलाते रहिए। तो यहाँ पे हम बिना चाशनी बनाए ही जो है बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बेसन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लिक्विड हो रहा है, तो अभी ये धीरे धीरे और भी पतला हो जाएगा। इसको हमें बराबर चलाते हुए रखना है और फ्लेम को यहाँ पे हमें लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा बेसन जो है जलने लगेगा। तो इसको साइड से ऐसे छुड़ाते रहिए और बराबर इसको चलाते रहिए। तो यहाँ ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, बनने के बाद ये एकदम सॉफ्ट बर्फ़ी बनके तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए ये धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, ये देखिए। लेकिन अभी इसके हमें और भुनना है, मुझे इसमें एक अच्छा सा कलर चाहिए। यहाँ ये देखिए, ये देखिए हमारा जो बेसन है काफ़ी पतला हो चुका है, ये देखिए, और ये अच्छे से भुन गया है। थोड़ा सा इसको हम और कर लेते हैं, भुन लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये एकदम बढ़िया ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी चीनी का यूज़ किया है। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको हमें बराबर चलाते रहना है और फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो हमारा जो बेसन है वो जलने लगेगा। तो इसको बराबर चलाते रहिए, चीनी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बराबर अच्छे से चलाते हुए इसको इस तरह से मैश करते रहिए ताकि जो है बेसन की जो बिल्कुल थोड़ी बहुत गांठें बन रही हों वो एकदम से मिक्स हो जाएं। ये देखिए इस तरह से बराबर इसको चलाते रहिए ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखिएगा, नहीं तो हमारा जो बेसन है वो जलने लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये काफ़ी हद तक दोनों अच्छे से चीनी और बेसन मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये एकदम
मिक्स हो गए हैं अच्छे से। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 टेबल स्पून इसमें हम पानी डालेंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आप फ्लेम को लो ही रखिएगा, तेज़ नहीं करिएगा, और बराबर से हमें ऐसे मिक्स करना है ताकि इसमें जो गाँठें दिख रही हैं, थोड़े बहुत लम्स दिख रहे हैं, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। इसको बराबर प्रेस करते हुए चलाते रहिए ताकि जितने लम्स हैं वो इसमें से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है सेट होने के लिए अब रेडी हो चुका है। तो इसको हम चलते हैं सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ये इस तरह की छोटी सी थाली ली है, हमारे आपके पास जो बर्तन हो आप उसको ले लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा घी लगा के उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, ताकि जब हम अपनी बर्फ़ी निकालें तो वो बहुत अच्छे से आराम से निकल आए बाहर। और अब इसमें हमारा जो बेसन का बैटर है उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, आप जिसमें भी जमा रहे हैं उसी में आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, अच्छे से फैला लीजिए पूरा। इसको ध्यान रखिएगा, एक बराबर से फैलाइएगा, नहीं तो आपकी बर्फ़ी कहीं पतली और कहीं मोटी हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी का कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होने वाली है। तो यहाँ पे अच्छे से फैला दिया, अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो इसको गार्निश कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट पे मैंने यहाँ पे काजू, पिस्ते और बादाम को फाइन चॉप किया हुआ है। गार्निश कर उसके बाद हम इसको ऊपर से स्प्रेड कर देंगे ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो बर्फ़ी में अच्छे से चिपक जाएं। ये देखिए, तो अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इन्हें हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हुई है, ये यहाँ पर ये देखिए, और कितनी बढ़िया कट रही है, लग रही है ना देखने में बहुत अच्छी। तो इसको हम अच्छे से पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे बड़े आपको जैसे पसंद है आप वैसे रखिए, और साथ ही साथ ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे इसके अब हम पीसेस निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी पीसेस को निकाल दिया है, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। तो ये खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनके तैयार हुई है, बहुत बढ़िया, एकदम खाते ही मुंह में घुल जाती है। तो इसको बनाइए और ट्राई करिए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करिए। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।